एकाग्र होना क्या है खुद से बात करना भाई देखो आधे आधे एक तिहाई एक तिहाई बनना चाहते हो एक तिहाई क्रिकेटर बनना चाहते हो थोड़े से हीरो बनना चाहते हो थोड़ा सा गाना गाना चाहते हो थोड़े से अच्छे बेटे बनना चाहते हो थोड़े से अच्छे प्रेमी प्रेमिका बनना चाहते हो थोड़े से अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हो इसमें का कुल मिला के आखिर में कुछ नहीं बन पाते मेरे जीवन में जब हिंदी की कविता के साथ जीने का समय आया इंजीनियरिंग से फरार होकर तो मेरी बहन ने मुझसे पूछा हमारे समय में जब माँ बाप समझाते तो ऐसे नहीं समझाते थे कि जैसे ये जोशी साहब काउंसिलिंग कराते हैं आपकी कि एक मैडम बैठ जाती हैं एक वो बैठ जाते हैं वहल आप क्या करना चाहते हैं किसमें रुचि ना हमारे तो पिताजी डायरेक्ट समझाते थे और उसमें पिताजी का आध्यात्मिक मानसिक हार्दिक और शारीरिक चारों प्रकार का बल लगता था कोई <laughs> मुझसे कहता है कि साहब माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है पिताजी के पैर के नीचे क्या मैंने कहा जूता उन्होंने जब मुझे समझाया और वो हार गए कि नहीं मैं तो कविता पढ़ूंगा बी ए करूंगा तो मेरी बहन जो मुझसे बड़ी है प्रोफेसर है वो जिसने मेरा नाम विश्वास कुमार से कुमार विश्वास किया बाद में उसने मुझसे पूछा तू करेगा क्या कविता करके जिंदा कैसे रहेगा तो मैंने उसको कहा कि हाँ जिंदा रहूंगा आराम से क्योंकि तो हिंदुस्तान तो बड़ा आस्तिक देश है जिसके दरवाजे पर दो भजन गाऊंगा वही सुबह खाना खिलाएगा शाम को खाना खिलाएगा और ये ऐसा नहीं था कि हास्य में कहा गया था मजाक में कहा गया था ये कृत संकल्प था अंदर से कि अगर ऐसी भी कभी स्थिति आई तो ऐसा कर लेंगे कहीं चार लाइन सुनाएंगे एक गीत सुनाएंगे आदमी सुबह का खिलाएगा दूसरे गांव जाके दूसरा सुनाएंगे वो खिलाएगा कोई कपड़े सिलवा देगा जीवन चल जाएगा कम से कम तृप्त रहूंगा कि जो चाहता था वो कर रहा हूं कविता लिखनी थी लिख रहा हूं साहित्य पढ़ना था पढ़ रहा हूं यह एकाग्र भाव अर्जुन एकाग्र है बाकी सबको सब दिखता है किसी को मछली दिखती है किसी को कुछ दिखता है अर्जुन को सिर्फ आंख दिखती है मछली की इसलिए द्रोणाचार्य अपने पुत्र से भी अधिक प्रेम करते हैं उन्हें और इस बात की टीस महाभारत के हर समकालीन पात्र को है कि गुरुवर द्रोण अर्जुन से इतना प्यार क्यों करते हैं आपको भी लगता होगा कि फला प्यार करते हैं इसकी तरफ ज्यादा ऐसा नहीं है वो किसी के प्रति भेदभाव नहीं है वो केवल इतना है कि एकाग्र कौन है क्योंकि दुनिया में केवल दो ही परंपरा है जो अपने से आगे बढ़ने पर खुश देखती है सामने वाले एक पिता अपने पुत्र को आगे जाते हुए देख के गर्व से ऊंचा हो जाता है और एक गुरु अपने शिष्य को बड़ा होते हुए देखकर गर्व से पसंद हो जाता है और एक बात और ध्यान रखिएगा असफलताएं केवल यह सिद्ध करती हैं कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ हमारा सबसे सफल भारत का एक विश्व नागरिक कौन है जिसे हिंदुस्तान जाति धर्म पॉलिटिक्स दक्षिण उत्तर से बढ़कर जिसे प्रेम किया है आज तक गांधी के बाद देखिए आप बिना कहे नाम निकलता है एपीजे अब्दुल कलाम इस देश ने अद्भुत प्रेम किया उनसे और उनके जीवन में आया कि वह आत्महत्या कर रहे थे वो देहरादून गए एनडीए सेलेक्ट होने के बाद पैसे नहीं थे दक्षिण से रामेश्वर से देहरादून जाने के तो उनकी एक विवाहित बहन थी उसने अपने जेवर बेच दिए पर उस जेवर से भी एक ही तरफ का किराया मिल सकता था तो कलाम साहब ने अपनी बहन से कहा कि चिंता मत करो मैं 200 परसेंट सेलेक्ट होऊंगा और उसके बाद तो फौज मुझे रख लेगी और मैं आपके लौटा दूंगा पैसे लेकिन वहां सेलेक्शन नहीं हुआ तो ऋषिकेश कभी आप जाइए वहां शिवानंद आश्रम है लक्ष्मण झूला के पास वहां पहाड़ियां थी पहले उस पहाड़ी पर शाम के समय वो पहुंचे आत्महत्या के इरादे से कि अब तो जीवन निस्सार हो गया जाने तक के पैसे नहीं है वहां शिवानंद स्वामी जी टहल थे तो उन्होंने देखा कि वो घूम रहा है बड़ा विक्षिप्त सा बड़ा परेशान सा उन्होंने पूछा बेटा यहाँ क्या बात हो गई तो वो कहने लगे मुसलमान व्यक्ति हिंदू साधु राजनीति करने वाले लोग सुने <laughs> उन्होंने पूछा कि क्या हो गया तो बोले साहब मैं अपनी बहन के जेवर बेच के पढ़ने यहां आया था मतलब ये एनडीए का इंटरव्यू देने मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ जाने तक के पैसे नहीं है मुझे लगता है जीवन में मैं किसी काम के लिए नहीं बना हूं तो उन्होंने कहा तुमको गलत सहमी है तुम्हारा सिलेक्शन पता है क्यों नहीं हुआ उसने कहा क्यों नहीं हुआ तुम्हारा सिलेक्शन इसलिए होने हुआ कि ईश्वर ने तुम्हें शायद किसी इससे बड़े काम के लिए नियत किया है और बेटा तुम आज रात यहां रुको आश्रम में भोजन करो और कल मैं तुम्हें जाने के पैसे दे दूंगा और घर जाकर अपना अध्ययन करो अपना काम करो और उसने वो काम किया कि अमेरिका की तानाशाही यूरेनियम लेकर इतराने वाले लोग क्रायोजेनिक ईंधन के लिए हमारे प्रधानमंत्री को अपने दरवाजे पर रुकवाने वाले लोग प्रतिबंधों की बाढ़ लगाते रह गए हिंदुस्तान ने वो काम करके दिखाया मिसाइल के क्षेत्र में प्रमाण करते <प्राँगा> तो यह है एकाग्र भाव है और यह है असफलता के बोध से बाहर आना असफलता का एकमात्र कारण यह है कि ईश्वर ने किसी बड़े आपको हेतु के लिए रखा है मेरे जीवन में निजी जीवन में कई असफलताएं आई हैं और मौनी से बनाऊं पहली असफलता प्रेम में आई जिसकी वजह से कवि बना उस समय लगता था कि जीवन निस्सार है जिसके लिए इतनी मेहनत की वो ही नहीं है तो क्या मतलब है लेकिन मैं जानता हूं कि एक असफल प्रेम ने मुझे लाखों सफल प्रेम कहानियां दी ऐसे ही जीवन में अनेक बार असफलता आई राजनीतिक मायनों में देखें तो पिछले महीनों भी एक असफलता आई लेकिन मुझे अब भी लगता है कि ईश्वर ने किसी बड़े हेतु के लिए निर्धारित किया है धैर्य आवश्यक है एकाग्रता आवश्यक है शायद कोई बड़ा काम भगवान लेने वाला है या हो सकता है इसी में हित हो और ये जो दर्शन है भारत का आपको भी लगता होगा कई बार हिंदुस्तान का लड़का लड़की सत्रह अठारह उन्नीस साल में जब जवान होता है मसे भीगती हैं और चेतना पहली बार दरवाजे पे चौखट देती है तो वामपंथी हो जाता है हाँ कम्युनिस्ट हो जाता है उसे पिता अमरीशपुरी लगता है ये कौन आदमी घर में है जो मेरे सपनों को उड़ने नहीं दे रहा वो इसी प्रतीक्षा में रहता है लड़कियां इसी प्रतीक्षा में रहती हैं कि किसी ना किसी दिन तो ये कहेगा कि जा सिमरन जा <laughs> लेकिन थोड़ा समय बीते तो वह सनातनी हो जाता है क्योंकि एक समय आते आते उसको पता चलने लगता है कि मेरे एफर्ट्स मेरी क्षमता मेरी प्रतिभा अपनी जगह है प्रारब्ध अपनी जगह है वो काम करेगा अगर मैं नियोजित तरीके से लगा रहा तो एक ना एक दिन उसका प्रतिफल मिलेगा मैं निजी जीवन की व्याख्या से कह रहा हूं जब मैंने कवि सम्मेलनों की कविता को कॉर्डलेस माइक के साथ कॉलर माइक के साथ म्यूजिक के साथ शुरू किया तो 2004 के आसपास मेरा इतना विरोध हुआ कि देश के 28-30 कवि मेरे साथ नहीं बैठते थे मंच पे। वो लिख के देते थे कुमार विश्वास आएगा तो हम नहीं आएंगे जो आजकल सेल्फी खिंचाने भतीजे को लाते हैं <laughs> लेकिन मुझे पता था कि यह प्रारूप बदलेगा अगर मेहनत की जाएगी तो कुछ होगा क्योंकि किसी शिक्षा संस्थान में नहीं गई मेरी दादी भी कहती थी मुझसे बचपन में ए, लाला मन से रोए तो फूटी आंख से भी आंसू निकले रोना मन से है काम मन से करना है तो एकाग्र भाव इसको अपने आप जो भी परीक्षा देने जा रहे हैं जो भी कुछ करने जा रहा है इसलिए मत करिएगा कि आपको टॉप करना है इसलिए मत करिएगा कि पिताजी ने यहां भेजा है इसलिए मत करिएगा कि यह काम है अब करना है और अगर नहीं करना है मन से नहीं आ रहा कि नहीं करना है तो कल छोड़ने के बजाय आज छोड़िए कि नहीं करना फिर ये सोचिए कि करना क्या है जैसा मैंने बताया ना द्विज होने का अर्थ है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है मैं पैदा क्यों हुआ हूं मतलब पैदा हुए और आप यूं ही अकबर इलाहाबादी हमारे एक शायर थे इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस थे वो उनका एक बड़ा है कि क्या कहें अहबाब वंशजो हमारे आने वाली पीढ़ियों क्या कहें अहबाब किसी ने पूछा चाचा आपने क्या किया तो उनका शेर था कि क्या कहें अहबाब क्या कार्य नुमाया कर गए क्या हमने एग्जीबिशन लायक काम किया बताने लायक काम किया और काम बताया अगली लाइन में क्या कहें अहबाब क्या कार्य नुमाया कर गए बीए करी नौकर हुए पेंशन मिली फिर मर गए <hthalem batteries> ये क्या हुआ भैया आपका आपने कितने मित्र पैदा किए कितने शत्रु पैदा किए कितने विचार के विरोधी पैदा किए कितने विचार के समर्थक पैदा किए कितना संघर्ष किया आपको राम के बाद की संततियों के बारे में पता है क्या कोई चर्चा हुई क्या आपको अगली संततियों के बारे में इतना पता नहीं है जो निकला जो अपने से बाहर निकला उसको सारा संसार मिला और जिसने मरना सीखा उसको ही जीने का अधिकार सबसे पहले जिज्ञासा को आदर दीजिए अंदर जो भी पैदा हो उत्तर उसके शमन की कोशिश करिएगा दूसरी बात है कि आप धैर्य रखिएगा जो कहा जाता है ना कि वतन की रेह मुझे एड़ियां रगड़ने दे मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा तो ये जो भाग्यवाद है जिसके भरोसे बहुत लोग हैं कि सा भाग्य करेगा अरे वो कुछ नहीं करेगा भाई ये पाप का आवरण है भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का जिससे रखता बचा भाग दूसरे जन का ये भाग्यवाद क्या है ये स्वयं को बचाने की आलस्य की उद्घोषणा है ये हो जाएगा भगवान जी क्या करेंगे अरे आप पहले करोगे धर्मो रक्षा ही रक्षित है धर्म उसकी रक्षा करता है जो अपनी रक्षा करता है आप जब अपने स्वधर्म की रक्षा करोगे तब ईश्वर नाम की जो भी शक्ति इस कायनात में मौजूद होगी प्रकृति नाम की शक्ति होगी उसकी पॉजिटिविटी जागेगी यार बड़ी मेहनत कर रही है बच्ची बड़ा मेहनत कर रहा है बच्चा इसको आशीर्वाद देते हैं और वो सुयोग का फल मिल जाएगा आपको आपसे जो ईश्वर करेगा वहां फलाने वाले पे चढ़ाई आए पांच रुपए उसकी ज्योत बोल दी उसका ये बोल दिया और जितने असफल लोग बैठे हैं इस परिसर में बहुत सफल लोग बैठे हैं राजनीति में व्यवसाय में अपने कामों में याद करके देखिए जिस समय आप सफलता के लिए संघर्ष कर रहे थे कितने पुखराज पहने थे कितने बाबाओं की जोत मनाई थी कितने यज्ञ किए थे मैंने तो नहीं किए भाई एक भी चीज नहीं पहन सकता था मैं चप्पल ही थी वही पहनना था उपलब्धि आ गई तो पांच आदमी आ गए ये पहनो आप ये करो आप तो कई बार उनका मन रखने के लिए चाहे माँ हो चाहे पत्नी हो बहन हो आदमी कर लेता है लेकिन यह सब जितना भी नियामन है भाग्य का यह पुरुषार्थ से है सबसे पहले कृते में दक्षिणे हस्ते जयो में सब व्याहता अगर कार्य अर्जुन तेरे सीधे हाथ में होगा तो विजय तो तेरे उल्टे हाथ में आ जाएगी उल्टे हाथ से पकड़ना मुश्किल होता है तो अगर कार्य तुम्हारे सीधे हाथ में होगा तो ये मध्य प्रदेश पीएससी और यूपीएससी आपके चरणों में आ जाएगी <स्थाथ> लेकिन उसके लिए एकाग्रता अर्जुन वाली चाहिए न्यूजीलैंड में एक यूनिवर्सिटी है विक्टोरिया विश्वविद्यालय मैं वहां बोलने के लिए गया था तो मैंने वहां बोला वहां चाइना के लड़के भी थे वियतनाम के अलग अलग शोध करते हुए विद्यार्थी थे तो मैंने उनसे बोला कि भाई हमारे यहाँ तो मोटिव ऑफ लाइफ है जीवन के जो उद्देश्य हैं वो चार हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष तो मैंने बताया कि धर्म यह है कि आपको पता हो कि मुझे करना क्या है शरीर का धर्म क्या है आपका धर्म क्या है यह हिंदू मुस्लिम नहीं यह तो अभी पांच हजार साल पुरानी कवायद है मनुष्य एक बात और ध्यान रखना अचानक याद आ गई मनुष्य आठ लाख वर्ष से पृथ्वी पर है और धर्म की अवधारणा पांच हजार वर्ष की ज्ञात है हमारी अगर इस आठ लाख वर्षों को चौबीस घंटे के जीवन में ढालो मनुष्य की आयु चौबीस घंटे करो तो धर्म के नाम पांच सेकंड आते हैं और इस पांच सेकंड के चक्कर में हमने तेईस घंटे पचपन मिनट पचपन सेकंड बर्बाद करके रख रखे हैं सारा काम इसी में लगा रखा है हमने तो ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष धर्म क्या है शरीर का धर्म है शरीर माध्यम खल उम्म साधन हम रात को आप सोए सुबह को आप शौच के लिए गए ये शरीर का धर्म है ये शरीर का पहला धर्म है कि जब शरीर में नेचुरल कॉल आए तब तो आप उसे निवृत्त होने के लिए जाएं। आपको आश्चर्य होगा कि भारत में अमेरिका में लोग हंसते हैं अमेरिका में जो डॉक्टर होता है उसके पास कोई जाता है और वो कहता है सर मुझे कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो डॉक्टर कई बार हंस के कहता है आर यू इंडियन क्योंकि भारत में इसलिए हुआ कि शौच की व्यवस्था ठीक नहीं थी मैं प्रधानमंत्री का आभारी हूं केवल उनके कार्यकाल नहीं अगला जिसका भी कार्यकाल हो और जितने भी कार्यकाल हों दस बीस वर्ष इस देश में स्वच्छता अभियान शौचालय की बात होनी चाहिए तब जाके कुछ देश में हो पाएगा अमेरिकियों को नहीं हो रहा इंग्लैंड वालों को नहीं हो रहा चूंकि उनके यहां सदा उपलब्ध है पहले दिन से बना हुआ है हमारे यहाँ ये कि नहीं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर लो क्यों उजाला हो जाएगा गांव में <laughs> तो पहला है धर्म दूसरा है अर्थ अर्थ का मतलब पैसा नहीं अर्थ का मतलब है जीवन का अर्थ क्या है इस जीवन का करना क्या है कुछ को कुछ को प्रशासनिक सेवा में जाना है कुछ को सेना में जाना है और जो अर्थ है जीवन का उसके हिसाब से आपकी जाति है यहां बैठे होंगे ब्राह्मण परिवार के लोग वैश्य परिवार के लोग दलितों के वंशज वंचितों के वंशज आदिवासियों से आते हुए लोग यह मत समझना कि खानदान से मिला हुआ विरुद्ध तुम्हारा विरुद्ध है ये जोशी हो जाने से जोशी नहीं है कि जोशी हम पैदा हो गए तुम तो ब्राह्मण हो गए नहीं कर्म की विधान है भगवान ने कहा अर्जुन से चातुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विभागश हे अर्जुन चार वर्णों में बटी हुई मेरी सृष्टि गुण और कर्मों के विभाजन पर है अगर आप शिक्षा देने शिक्षा लेने का काम करते हो तो आप किसी धर्म और जाति को आप ब्राह्मणत्व का संस्कार जी रहे हो अगर आप देश के दुश्मनों से भाई और आंतरिक दुश्मनों से युद्ध करते हो रक्षा करते हो तो आपका क्षत्रिय संस्कार है अगर आप देश की व्यवस्था बनाते हो तो आप दलितों के साथ हो जिन्होंने इस देश की व्यवस्था बनाई है अगर आप अर्थव्यवस्था में भाग लेते हो तो आप वैश्य और का वणिक का काम कर रहे हो ये जो तो वर्ण व्यवस्था थी हालांकि बहुत लोग नहीं मानते ना माने कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये बड़ी वैज्ञानिक थी तो दूसरा हुआ धर्म अर्थ धर्म अर्थ और तीसरा हुआ काम जिस पर बातचीत करने से भी पूरा विश्व डरता था उसकी व्यवस्था हमने बनाई और वो काम केवल सेक्स नहीं है वो काम एक डिजायर। एको हम है डिजायर एक बहुत श्याम वेद क्या कहता है एक हूं बहुत होना चाहता हूं मनुष्य की क्या इच्छा है आपने पढ़ा था बायोलॉजी में अमीबा गोल वाला वो बीच में से कट गया फिर दो हो गए फिर कट गया फिर तीन हो गए ये क्या है एक हम बहुत श्याम मैं एक हूं बहुत होना चाहता हूं और इसी के कारण ये व्यवस्था बनी भगवान बुद्ध के समय जब बुद्ध दर्शन चला और बुद्ध ने कहा जीवन दुख का मूल है और ऐसी स्थिति आ गई कि अधिकतम लोग भिक्षुक होने लगे उस समय दक्षिण से एक एक विद्यार्थी चला एक तपस्वी चला आद्य शंकराचार्य नाम का जिसने केवल एक दंड लिया और यात्रा की और इस पूरे भारत को दोबारा जीवित किया और कहा कि नहीं एको को हम बहुत श्याम अगर जगत सत्य है ब्रह्म सत्य है तो जगत भी सत्य है तो तीसरी चीज है काम जिसको सामान्य रूप से हम वात्स्यायन का काम शास्त्र समझ लेते हैं हम सेक्स एजुकेशन समझ लेते हैं सेक्स नहीं है वो सेक्स तो उसका एक छोटा सा पार्ट है जैसे बहुत सारे हमारे साथी जो है बच्चे योग को जो है वो सुबह सुबह होने वाली फूफा समझते हैं इस <laughs> नाक से नया और इस गया, योग हो गया ये योग का एक सामान्य अंग है ये योग की जो आठ प्रक्रिया है उनमें से एक है ये प्राणायाम जिसको लोग लिए घूम रहे हैं कि ये योग है योग नहीं है योग कर्म में कुशलता योग है गीता में भगवान ने कहा है कि अर्जुन ने पूछा योग क्या है तो उन्होंने कहा कर्म कौशलम मैं फिर वहीं आ गया एकाग्रता पर जो मैं आपसे कह रहा था भाइयों छोटे भाई, भाई बहनों जो एकाग्रता है कर्म की वो योग है मेरे पिताजी प्रोफेसर एन रिटायर हुए पिचासी वर्ष के हैं उन्होंने पीएचडी कराई है हम जैसों को मूर्खों को ज्ञान देने की कोशिश की ले नहीं पाए हम पूरा <laughs> और मैं अक्सर देखता हूं कि वो अपने बगीचे में जो घर में बना हुआ है उसमें सुबह ही सुबह सिद्धांत वो करते रहते हैं निराई विराई पौधों की और बहुएं जो प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं आईएफएस हैं मेरी भाभियां वो चाय लेके सुबह सुबह जाती हैं मैंने एक दिन देखा कि वो उससे पौधे से बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं अच्छा तो श्रीमान जी आपकी जड़िया निकल आई ओ हो हो आप तो बहुत फजीता करोगे चलिए आपको एक नया गमला देते हैं आज हम और उसको लेके वो बात कर रहे हैं मूर्ख थोड़ी है कि पौधे से बात करेंगे कर्म की कुशलता के साथ कर रहे हैं वो खुरपी लगाना उसमें खाद डालना पानी लगाना उसे भी टालने काम की तरह उन्हें किसी ने नहीं कहा उनके बेटे पुत्र बधुओं की इतनी आय है इतना पैसा है कि वो दस माली रख लें लेकिन वो खुद कर रहे क्योंकि वो कर्म में कुशलता है याद करके देखिए आपने आखिरी बार ऐसा कौन सा काम किया था जिसमें आप इतने एकाग्र थे कि आपको आवाज नहीं सुनाई दी बहु में जाती है पापा जी चाय ले लीजिए उन्हें सुनी नहीं पापा जी चाय ले लीजिए फिर तीसरी बार में हाँ बेटा अच्छा बेटा रख दो तब उन्हें समझ में आई कि चाय पीनी है क्योंकि वो उससे संवाद कर रहे हैं और अगर उन्होंने मन से संवाद किया है तो मन से वो पौधा सुन भी रहा होगा मुझसे पूछा था एक विदेशी विद्यार्थी ने कि साहब ये क्या कहानी है आपके यहां की कि मीराबाई ने जहर पिया वो बच गई तो मैंने कहा अगर ये आस्था है कि ये जो मुझे भेजा है ये भगवान कृष्ण ने अमृत भेजा है अगर अंदर इतनी पात्रता है तो दुनिया के हर जहर को अमृत होना ही पड़ेगा दुनिया की हर केमिस्ट्री को नतमस्तक होना ही पड़ेगा देश के सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं मैं नाम नहीं लूंगा उनका क्योंकि निजता में उल्लंघन हो जाएगा मैंने उनके साथ एक बार यात्रा की विदेश में और मैंने देखा कि वो प्राइवेट जेट था जिसमें जाना था उसमें उन्होंने बैठने के तुरंत बाद चार घंटे का सफर था अपने हैंड बैग से लड्डू गोपाल निकाले और गणपति निकाले और दोनों को प्रणाम करा तो मैंने उनसे पूछा भाई साहब ये क्या है आप तो इतने बड़े डॉक्टर हो ऐसे रोबोटिक्स से ऑपरेशन कर देते हो दुनिया में हिंदुस्तान में जो भी बड़ा है चाहे वो मुख्यमंत्री हो प्रधानमंत्री हो सेठ हो वो आप ही के चरणों में आके गिरता है कि तुम खोलो दिल तो ये ये सब क्या है भगवान जी आपकी क्या आस्था है इसमें तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो मैंने बहुत ऑपरेशन किए हैं और मैंने अनेक बार ऐसा देखा कि सब कुछ ठीक था कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी और मुझ जैसा डॉक्टर था और पूरी बैटरी डॉक्टर्स की लगी हुई थी और मैं कुछ नहीं कर पाया मेरे सामने से आदमी निकल गया और कई बार मैंने ऐसा देखा कि आदमी ऐसा है कि इसको तो कोई नहीं बचा सकता मुझ जैसे छह लग जाए और मैंने कुछ नहीं किया बस कोशिश शुरू की थी कि आदमी बच गया तब मुझे पता लगा कि मुझसे और मेरे ज्ञान और मेरी क्षमता प्रतिभा से भी ऊपर कोई ताकत है जो दुनिया को चलाती है जो दुनिया के बारे में तय करती है तो यह है जीवन का अंतिम मोक्ष ये काम के बाद का मोक्ष है जीवन के चार हेतु हमने तैयार करे तो ये जो एकाग्रता है अपने काम में कि जिस समय आप इतिहास पढ़ रहे हो जिस समय आप सोशोलॉजी पढ़ रहे हो जिस समय पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो उस वक्त आपको यह लगे जैसे इस परिसर में बैठे हुए जो लोग हैं जो त्री है आपकी चेतना की स्थान की आपने व्यक्तित्व की और समय की वो तीनों अर्धलुप्ता अवस्था में उन्हें याद नहीं है कि मैं कहां बैठा हूं मुझे कितने बजे जाना था मैं कौन हूं संवाद में सरसता है हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं आप रिएक्ट कर रहे हैं मैं आपकी बात कर रहा हूं तो आप जब पढ़ें जब पढ़ने के लिए बैठे तो इतनी समरसता जिस दिन आ जाएगी उस दिन ये पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट रिजल्ट नहीं है ये प्रोडक्ट नहीं है ये बाई प्रोडक्ट है आपको ये तो बाई प्रोडक्ट में मिल जाएगा तो छाछ है नवनीत नहीं है मक्खन नहीं है मक्खन वो आत्मसंतोष है जो आपको इतिहास को पढ़ने में मिलेगा मक्खन वो आत्मसंतोष है कि आपको इस बात की शोध लगाने में लगेगा कि पानीपत की तीसरी लड़ाईय में तीनों लड़ाईयों में निर्णय विपरीत क्यों हुए मक्खन वो आत्मसंतोष है जब आपको इस बात की स्मृति पूरी आ जाएगी कि आज मैंने कितने मजेदार तरीके से मैंने विश्व की राजनीतिक व्यवस्था पढ़ ली मैक्य वैली पढ़ लिया मैंने मैंने कौन तक पढ़ लिया मैंने वो जो आपको आत्मसंतोष आएगा वही असली नवनीत है बाकी बाई प्रोडक्ट है यह मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं यह प्रसिद्धि ये ऐश्वर्य ये, ये मान्यताएं यह सब बाई प्रोडक्ट हैं।